अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और मज़े के व्लॉग इंजॉय करें। तो ये बच्चे स्कूल गए हैं और उनके वापस आने का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं हलिया बना लूँ। तो यहाँ पर जी मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ हल्के से, और अरबी को मैंने फ्राई कर लिया है हल्का सा। इसको मैंने लगाई है हल्दी लगा के फिर इसको मैंने फ्राई किया है। और अभी मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। ये हल्के से थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी और टमाटर डालूँगी और फिर इसको थोड़ा हल्का सा दम दूँगी। फिर उसके बाद ही अरबी डाल के और मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए दम दूँगी और मेरी हंडिया रेडी हो जाएगी। व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और दिल ही नहीं कर रहा था बनाने को। तो आज मेरी तबीयत बेहतर हुई है कुछ, तो मैंने कहा व्लॉग बनाते अपने व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। बच्चे भी शुक्र है अब बेहतर हैं माशाल्लाह से। मेरी बेटी इरना अब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हैं। आज कुछ स्मेल आना स्टार्ट हुई है, खुशबू आना स्टार्ट हुई है, तो कुछ टेस्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो आज अच्छा भी लग रहा है और बेहतर भी लग रहा है। दिल को सुकून सा हो गया है कि आज कुछ बेहतर है। इरना ने बताया ना, मामा आज मैं कुछ बेहतर हूँ, तो मुझे अच्छा लगा बहुत ही और सुकून हो गया कि शुक्र है मेरी बेटी ठीक है। तो चलें जी हलिया बनाते हैं। हलिया बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल क्या निकल के आई है। तो हंडिया को मैंने ये देखिए दम पे रख दिया है, ये 5-7 मिनट के लिए दम पे रख दिया है और साथ में अभी ये पक जाएगी, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। और साथ में मैंने अपने लिए ये अमरूद काट कर लिए हैं। जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं खाती हूँ और फिर बच्चे आते हैं तो फिर खाना मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह। अमरूद गले के लिए ठीक है, ये मुझे गला ख़राब है, खांसी आती है, तो मुझे ये मैं ये खाऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो बच्चों के लिए भी काट के रख लिए हैं और अपने लिए ये काट लिए, जितने खाएंगे खाएंगे, बाकी फिर रख दूँगी, फिर उसके बाद जब फिर दिल आएगा तो फिर खा लूँगी। तो अभी भाई बहुत शोर है, तो क्योंकि स्कूल में छुट्टी हो चुकी है बच्चों को, इधर भी स्कूल है हमारे पास तो वहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, तो रक्षे वगैरह आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, इसी वजह से बाहर बहुत शोर हो रहा है। तो चले जी मैं खाती हूँ। इस पर हल्का सा नमक मैं डालूँगी और मैं इंजॉय करती हूँ। चले जी बाकी जो सीन होगा बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब है मीठा टाइम, तो मेरा दिल चाह रहा था तकरीबन ये 4 से 5 बजे का टाइम है, मेरा ख्याल 5 बजे का टाइम है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पीनट बर्फ़ी। और ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, अभी ट्राई कर रही हूँ, तो अच्छी बनी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी। और ये बहुत मज़ेदार सी बनती है, दूसरी दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, पहली दफ़ा अच्छी बनी थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी मज़ीद और अच्छी बन जाए तो फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने पीस लिया है अच्छा सा। ये कच्ची थी मेरे पास मूंगफली, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है, यानी कि रोस्ट किया है ना, बगैर ऑयल के या घी के मैंने इसको रोस्ट किया और इसको कर लिया ग्राइंड अच्छे से। और यहाँ पे मैंने चीनी डाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप चीनी डाल के इसमें पानी थोड़ा सा डाल के, और इलायची सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए ना अच्छी लगती है, तो उसको आप इस तरह पिघलने दें और जब तक एक तार ना बने इसमें, फिर जब तक ये एक तार बन जाएगी ना, तो फिर हम इसमें वो जो पीनट वाला जो हम लोगों ने ग्राइंड किया हुआ है ना पाउडर, वो डालेंगे और थोड़ा सा दूध इसमें, पीनट का पाउडर बनाया है तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल लिया और इसमें थोड़ा सा एंड में दूध भी जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अगर जब ये बन जाती है ना अच्छे से तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बने। ये देखें जी ये अच्छे से बन गई है, एक तार हो गई इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो पाउडर, कुछ लोग मोटा मोटा भी रख लेते हैं और कुछ बिल्कुल ही इसको पाउडर की तरह ही पीस लेते हैं, और मैंने थोड़ा सा मोटा इसको पीसा है
ताकि ना वो चंक्स मुंह में आए ना तो अच्छे लगते हैं, मज़े ही लगती है मुझे। मैं हर तरह से ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने बारीक पाउडर सा बना के मैंने इसको ट्राई किया था, वो भी अच्छी लगी थी। अब मैं थोड़े से चंक्स वाली मैं बना रही हूँ, तो इसको भी ट्राई करते हैं ये कैसी बनती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें वो जो दूध है वो भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला दूध डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी। बच्चा खाना खा रहे हैं सारे माशाल्लाह बैठ के, और मैं रोटी बना रही हूँ। वो गर्म गर्म रोटी लेके जा रहे हैं और खा रहे हैं। ये देखें, इसको इतना ठीक रखना है और ये लगता है ये बर्तन को ना, ये देखें, इसको बस साथ साथ चमचा चलाते जाना और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है अच्छे से, ठीक है। और अब ये देखें, ये खट्टा हो रहा है, ठीक है, ये देखें। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे, और जैसे ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसके बेशक इसको बॉल बना लें, बेशक इसको बर्फ़ी की तरह कट कर लें, तो वो मैं बनाती हूँ और कट करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसको काटने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, ये मैंने बर्फ़ी बना लिया, इसको मैंने ठंडा किया, ठंडा करके कट किया है। और ये देखिए, और ये यहाँ से भी खा चुकी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी हम लोगों ने खा ली हुई है। और अदीना से पूछते हैं इसका रिव्यू, अदीना को कैसी लगी है। अदीना, आपको कैसी लगी है ये बर्फ़ी, पीनट बर्फी? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पीनट बर्फी। इसके अंदर इलायची की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि खाने का और ज़्यादा दिल कर रहा है। और इसके अंदर पीनट के जब नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, तो मज़े के लग रहे हैं ना, पीनट वाले चंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी ये चंक्स की वजह से चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है, वरना वो जो पाउडर नमा हो जाता है ना, वो नहीं मुझे पसंद। तो ये चंक्स आए ना तो मुझे अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। अब नेक्स्ट बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर ट्राई करूंगी। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये बनानी बहुत ही आसान है, और आप बनाएं और इन्जॉय करें आप लोग भी। और नेक्स्ट अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह फिर इसको ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ हिरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे अभी जाके फॉलो करें। और रहमान, आपको कैसी लगी ये बर्फ़ी? बहुत मज़े की। थोड़ा सा ऊँची बोले, नहीं सुनाएगा मेरे। बहुत मज़े की। बहुत मज़े की। चले, थैंक यू।